हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो यहाँ देखे ऐसे करती हूँ एकदम मेहंदी, मुझे फिर याद आ जाती है आप लोगों को बताने कि देखो अगर कीप वाली मेहंदी मैंने ये लगाई होती तो अब तक छूट जाती और एकदम काली होके ना थोड़ी थोड़ी खाल भी उतरने लगती है। और ये वाली मैंने रात जगी थी ना गन्नू पिंकू की, तो पैकेट वाली जो आती है घोल के उस वो लगाई, अभी भी पीली बची है। पहले मेहंदी बहुत टाइम तक मतलब 15-20 दिन तक आराम से आपके हाथों में रहती थी, अब तो एक हफ्ते में ही चली जाएगी। लेकिन अब हमारे ये हाथों में दोबारा है और अब फिर से एक बार और रात जगेगी, दोबारा फिर से ये हाथ में इसी के ऊपर लगा लूंगी हो जाएगा। और आज हमारे कान्हा जी की पूजेगी छठी, शाम का टाइम हो रहा है, अब छठी पूजने की तैयारी करूंगी। क्योंकि देखिये छठी शाम को ही पूजती है, इसलिए मैंने सुबह नॉर्मली जो हमारी पूजा होती है वही सब करके और अपने लड्डू गोपाल जी को पीले कपड़े पहना दिए, क्योंकि छठी है तो पीले कपड़े ही पहनते हैं। पूरा अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, भोग वगैरह सब लगा दिया था, जो भी नॉर्मली हमारा डेली का रूटीन रहता है। लेकिन अब लड्डू गोपाल जी की छठी पूजेंगे शाम के टाइम में, तो वही खाने पीने की तैयारियां अब किचन में चल के करूंगी। और सभी जगह देखिए अलग अलग रिवाज हैं, कान्हा जी की छठी में अपने घर में जो है उसी रिवाज से पूजूंगी। मैंने जैसे बताया बहुत सारी वीडियो देखी है, लेकिन कुछ भी नहीं मुझे समझ में आ रहा था मैंने कि जैसे मैंने अपने घर में और गन्नू और पिंकू की, तो मैंने खुद ने ही छठी पूजी है, क्योंकि दोनों का जन्म मेरे पास ही हुआ था और मम्मी उस टाइम पे मेरे पास नहीं, गांव में थी, तो दोनों की छठी मैंने खुद पूजी है, तो इसीलिए मुझे पता है छठी पूजने के लिए। तो मैं कान्हा जी की छठी भी वैसे ही पूजूंगी। और खाने पीने में वैसे मेरे यहाँ जो बनता है आज के दिन आटे का हलवा जरूर बनता है छठी पूजती है जब, और उसका ही भोग वगैरह लगाना है। जैसे अपने अड़ोस में पड़ोस में जैसे होती है देवरानी जेठानी गांव में, उनमें बांटा जाता है आटे का हलवा, तो आज हमारे घर आटे का हलवा जरूर बनेगा, क्योंकि मेरे यहाँ छठी पे आटे का हलवा जरूर बनता है। जब जच्चा होती है तो आप लोगों को पता ही है आटे का हलवा बनता ही है, लेकिन छठी वाले दिन हमारे यहाँ बनता है पहली बार, जैसे जच्चा को देते हैं आटे का हलवा। दूसरे फोन पे कॉल आ रही थी। तो यहाँ पे अब पिंकू की तबीयत मैं आप लोगों को बताऊं तो पिंकू की तबीयत ठीक है, लेकिन उतना नहीं है आराम, अभी स्कूल नहीं जा रहा है, छुट्टी पर ही चल रहा है। लेकिन हाँ एक चीज से बहुत अच्छा लग रहा है कि उसको फीवर नहीं आ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि उसको ना बुखार आ रहा जा रहा था, उसमें आराम है, उल्टियां हो रही थी, तो बुखार नहीं है उल्टियां नहीं है उसको। अब वो दाने बचे हैं तो दानों के भी थोड़ा सा आराम है, जैसे पहले क्या था थोड़ी खुजली होती थी उसको, तो वो सब में उसको आराम है, तो बस दवा चल रही है। सैटरडे फिर से बुलाया है और आप सब ने मुझे अपनी अपनी राय दी कमेंट करके, उसके लिए थैंक यू सो मच। और पिंकू के लिए प्रार्थना की, आप सबकी दुआ साथ में है तो जरूर जल्दी ठीक हो जाएगा। और बहुतों ने बोला है जैसे माता वगैरह का, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैया निकलती है तो पूरी बॉडी पे, उसकी पूरी बॉडी पे अभी भी नहीं है वो, तो इसका मतलब मैया नहीं निकली है। लेकिन मैंने फिर भी नीम के पत्ते ला करके सब जगह रख दिए हैं, जैसे बेड के गद्दे के नीचे, वो सब थोड़ी सी सेफ्टी कर सकते हैं। लेकिन हाँ मैया उसको नहीं निकली है, क्योंकि उसकी बॉडी पे मतलब हाथ पैरों पे और मुंह पे ये तीन जगह ही उसके दाने निकले हुए हैं, बाकी बॉडी पे नहीं है। अगर मैया निकलती, मतलब हमारे यहाँ तो मैया ही बोलते हैं, जैसे मैया निकलती तो वो पूरी बॉडी पे निकलती, उसको उससे राहत है। और उसके इंजेक्शन वगैरह भी वैसे लगे हुए हैं, जैसे खसरे वगैरह के ये सब टीके जो लगते हैं वो सब लगे हुए हैं। और मम्मी भी घर पे बहुत परेशान थी कि अभी तो माता पूज करके ही गए, रात जगा करके हमसे क्या गलती हो गई है, तो मैया नहीं निकली है। लेकिन फिर भी मैंने उसके ऊपर 11 रुपये उतार करके प्रसाद के लिए रख दिए हैं, जैसे कि वो ठीक हो जाएगा फिर मैं मतलब हमारे यहाँ पे जो मुरमुरे होते हैं नमक के मैया के वो बटते हैं, तो वही मंगा के मैं बांट दूंगी। तो चलिए कान्हा जी की छठी की तैयारियां कर लेते हैं और छठी पूजते हैं। और हमारे यहाँ कैसे पूजते हैं आप लोगों को ये मैं दिखा दूंगी कि मतलब बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे यहाँ की जो छठी पूजी है वैसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी की छठी पूजी है। और मुझे एक कमेंट आ रहा था कि आप कितनी बुरी बहू हो, कभी भी अपनी ससुराल नहीं दिखाती हो, जब से वीडियो बनी है। तो आप लोगों को सच बताऊं, अब बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन हाँ एक सच है आप लोगों का कि मेरी जब से वीडियो बनी है मैं ससुराल गई ही नहीं हूँ। मुझे ससुराल गए हुए पूरे 3 साल हो गए हैं, 3 साल से मैं अपनी ससुराल नहीं गई हूँ। वीडियो मैंने उसके बाद बनाना शुरू किया था, लेकिन जब मेरे ससुराल में मेरा कुछ है नहीं है, मतलब जैसे सास नहीं है ससुर नहीं है, तो क्या करूँ जा करके। और जो लोग हैं उनसे मैं बहुत तेज बाहर आवाज हुई है, जैसे फायर हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं है, तो जिनसे मेरी नहीं पटती है जो भी है। देखिए मैं यहाँ आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, अपना रूटीन शेयर करती हूँ,
बाकी की लाइफ में मैं ना कोई इंटरफेयर करती हूँ और ना मैं अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेयर चाहती हूँ। आप लोगों को मैं सच बताऊँ, वो मेरा नेचर है कि मैं अपने काम से काम रखना पसंद करती हूँ। सच्ची में ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं, मैं अपने सबसे बातचीत करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि किसी का कुछ भी हो रहा है उसके लाइफ में, उसको छोड़ो, अब मेरी में क्या हो रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए, अच्छी बुरी बहू जैसी भी हूँ, अब हूँ पता नहीं, अब मैं ज़्यादा मैं आप लोगों को, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, कीचड़ उछालने के लिए हम खूब उछाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया पर बहुत सारी कीचड़ें उछाल उछाल के। अगर मैं ऐसा करती तो देखिए चैनल मेरा कब का उठ गया होता, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, वो मुझको भी पसंद नहीं है, और मैं प्लस बहुत लोगों की ऐसी अगर वीडियो देखती हूँ तो वो भी पसंद नहीं है। कि हमारे घरों में देखिए कहते नहीं है, जहाँ चार बर्तन होते हैं खटकते हैं, हमारे घरों में सबके में कुछ ना कुछ होता है। आप जैसी ही मैं हूँ, मैं भी कोई वहाँ से उतर के नहीं आई हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, समझ सकते हो आप भी, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इस वजह से मैं अच्छी बुरी जैसी भी बहू हूँ कि आप कभी देवर जेठ नहीं दिखाती हैं अपने, कभी देवरानियों से नहीं मिलती हैं। हाँ, ससुराल पक्ष में देखिए जिस जिससे मैं मिलती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे नहीं मिलती हूँ तो उनको मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। जब तक कहते ना कि हमारा अंदर से मन या हमारा दिल नहीं करता किसी से मिलने के लिए, तो नहीं मिलना चाहिए। वो मेरे अंदर फॉर्मेलिटी नहीं है कि मतलब मेरे मन में कुछ और है, अंदर कुछ और है और शब्दों में कुछ है, तो मैं उससे गले मिलूं जाके, चाहे मैं अंदर से उसको कहते ना कि चाहे गाली दे रही हूँ या जल रही हूँ, लेकिन शब्दों से और ऐसे मैं वो दिखावटी नहीं मैं करती हूँ। वो मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है, कमी है मतलब, और इसके लिए सभी बोलते हैं कि थोड़ी सी दिखावटी बनो, लेकिन वो नहीं बना जाता। क्या करूँ, ऐसी हूँ, कोई भी बात होती है चाहे सामने वाले को बुरी लग जाए, मैं उसके सामने ही बोल देती हूँ, चाहे बाद में मुझे लोगों की कुछ बातें सुननी पड़े कि कुछ तो अपने अंदर रखो, मत बोलो सामने, आज वो दुनिया ऐसी नहीं है, थोड़ी सी दिखावटी बनो, लेकिन नहीं बन सकती हूँ। कहते ना कि हमारा कुदरती नेचर ऐसा होता है, तो मेरा नेचर ऐसा ही है। बहुत लोगों की तरह मैं चाहती तो चाहे मन में मैं अपने में कुछ रखे तो सबको मैं, देखिए कहते ना हम जब साथ लेके सबको चलते हैं और बाद में हमें धोखे मिलते हैं तो अंदर से हमें बहुत ज़्यादा मतलब खराब लगता है और बहुत टूट जाते हैं, तो फिर दोबारा से मन नहीं मिलते। तो वो वाली मेरी बात है जिससे मेरा मन नहीं मिलता, मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो अब अच्छी बुरी जैसी भी बहू हूँ ऐसी हूँ, बहुत सारी बातें हो गई, चलिए कान्हा जी की छठी बनाते हैं हम। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, कढ़ी बनाने की तैयारी करी है, दही जमा रखी थी मैंने तो उसको भिलोया है पहले, मतलब मट्ठा बनाई है उसकी, और उसके बाद में पकौड़ी के लिए जो बेसन है मैंने काफ़ी देर फेंटा है उसको, हल्का सा नमक और हल्दी डाल करके, और यहाँ पे छोटी छोटी पकौड़ी बना लेंगे कढ़ी के लिए। आज लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग की कढ़ी बन रही है छठी की, तो इसलिए हम बिना लहसुन प्याज के ही कढ़ी को बनाएंगे। हरी मिर्ची और लाल मिर्ची या कड़ी पत्ता का यूज करेंगे इसमें, कड़ी पत्ता कड़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट पकौड़ी बना लूँगी पहले। मैंने कढ़ी को मतलब जो बेसन वगैरह मट्ठा में घोला हुआ था वो डाल दिया, और जब खदका आने लग गया था उसको दूसरी गैस पे मैंने साइड में पकने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाएंगे उतनी ही अच्छी और टेस्टी बनती है। यहाँ बना रही हूँ मैं आटे का हलवा, तो आटे को मैंने अच्छे से भून लिया था, उसके बाद में अब यहाँ पे चीनी का घोल बना के उसमें मैंने इसको आटे को घोल करके मतलब थोड़ा सा कि गांठ ना बने, अगर ऐसे ही डायरेक्ट डालेंगे तो गांठ बन जाएंगी, और घी डाल दिया है, आप उसको घी में भी भून के अच्छे से बना लीजिए। तो बस यहाँ पे हमारा हलवा भी बन के तैयार हो गया है, उधर कढ़ी हमारी अभी पक रही है, और यहाँ मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे पूड़ी बनाते हैं लेकिन मैंने फुलके बनाए हैं, जैसे हलवा बनता है और पूड़ी बनेंगी साथ में छठी वाले दिन, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाई है रोटी। तो यहाँ देखे कढ़ी हमारी अच्छे से पक के हो गई है, और उसमें मैंने तड़का लगा दिया है ऊपर से, और देखने में हमारी कढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, और वैसे भगवान का जो भोग बनता है ना सच में बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। हम नॉर्मली कोई भी सब्जी वगैरह ऐसी बना लेते हैं उतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आप भगवान जी का कुछ भी भोग या प्रसाद बनाइए
बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने साइड में चावल भी चढ़ा दिए हैं कुकर में, क्योंकि चावल मैंने पहले से ही भिगो के रख दिए थे। देखिए थाली लगा दी है मैंने, भोग की कढ़ी है और आटे का हलवा है, चावल है और रोटी है और तुलसा भी मैंने रख दी है, क्योंकि बिना तुलसा जी के तो भोग अधूरा है। और यहाँ पे मैं घी की ना मैया बनाते हैं, माता बनाते हैं हमारे यहाँ पे, जो जच्चा मतलब जिस बेड पे लेटी रहती है ना, तो उसके दोनों तरफ के पैरों के मतलब बेड के दोनों तरफ को बनाते हैं, देसी घी से मैया बनाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। ऐसे हमारे यहाँ छठी पूजती है, तो मैंने यहाँ पे मंदिर के दोनों तरफ को ऐसे मैया बना दी थी घी से माता, और उसके बाद में उनको भोग लगा दिया अच्छे से, कान्हा जी को टीका लगा दिया, भोग लगा दिया। अब बारी आती है स्याही लगाने की। स्याही हमारे यहाँ पे जो मतलब पार के लगाते हैं उसको साथ के साथ, लेकिन मैंने यहाँ स्याही लगा दी है इस तरीके से कान्हा जी की और राधा जी की, क्योंकि दोनों की ही छठी है मेरे घर में। पहली बार कान्हा जी की छठी बन रही है, क्योंकि मैं अभी कान्हा जी को आप सभी को पता है सावन के महीने में वृंदावन से लेके आई थी, साथ में राधा रानी को, तो दोनों की छठी हमारे घर में पहली बार है, हमारे लल्ला की छठी पूज रही है। आप सब लोग भी सावन हो जाइए, कहते हैं ना भगवान की जब छठी पूजती है तो पूरा ब्रह्मांड उनके साथ और खुशी मनाते हैं, तो यहाँ पे छठी के बाद झूला झुलाया जाता है। तो मैंने आज उनकी टोकरी में बने हुए हैंडल उनको पकड़ के इस तरीके से ही झूला झुला दिया है, और हमारे कान्हा जी की छठी पूज गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।